you are playing this song? So basically this song is something very different. Everyone kept asking me what is mineral water. I'm like wait and watch. Now that it's out, everyone knows that it's pretty different, right? It's a very catchy song. Or it was so much fun to shoot. The location was brilliant, so it was a lot of fun. Yes, आपका कहना चाहिए song के बारे में? Mineral water जो क्रिसेन ने कहा बहुत different है और different kind of song मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे market से अलग चीज़ें करने का अच्छा लगता है क्योंकि audience तो एक चीज़ तो सुन चुकी है तो उनको कुछ अलग सुनाया जाए और सबसे बेस्ट पार्ट मेरा कि मैं म्यूज़िक को मतलब मैं सीरियस बहुत ज़्यादा सीरियस लेता हूँ अगर मुझे एक बार नहीं पसंद आया तो मैं उसको 10 बार भी चेंज कर सकता हूँ और लिरिक्स नहीं मुझे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं 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 ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो और मेन मिनरल वाटर है गुड क्वेश्चन मिनरल वाटर मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था तो एंड वो मिनरल वाटर बार में मिनरल वाटर की बात कर रहे थे कुछ तो मैं बोला हाँ जी आप तो मिनरल वाटर हैं हम ही सस्ता पानियाँ हैं तो फिर मैंने देखा बोले यार ये तो लाइन बन गई और मैं जल्दी से इसको मैं अपनी बुक में लिख दिया और फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं कुछ गुनगुनाता रहा फिर मैं कुछ ट्यून्स देखता रहा यूट्यूब पे कि क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं फिर उसके हिसाब से मतलब फिर मैंने बनाया तू है मिनरल वाटर मैं हूँ सस्ता पानियाँ I laughed so much first time. So it was so different, right? It was crazy. I was just like, wow. The song's name is Mineral Water, and he's like, yeah. I was like, for real? And he's like, yeah. And I hadn't even heard the song till I went for the shoot. So he played the song, and I was just like, dude, this is so different. It's so different from everything else that I've heard. I was like, "Chalo, let's do this." And how's your experience working with Krissann? Best. दोबारा काम करना चाहूँगा. Oh, so sweet. बहुत easy to go है. Like और models के साथ में आप काम करते हैं, तो ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, ये नहीं खाना है, वो पीना है, मेरे ये नहीं shoot करना है वो. And Krissann was like, "Okay, okay, everything was okay." First day से, first message chat हो रही है, तब से ही मतलब okay, okay, let's do it, let's do it, let's do it. Let's do this. जिस तरह का सिचुएशन चल रहा था कोविड सिचुएशन इज देयर सो हाउ मच इज इट चैलेंजिंग टू शूट इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन आई मीन आई टच वुड दैट वी आर बीइंग एबल टू शूट काम आ रहा है अभी भी इवन दो द सिचुएशन इज हैपनिंग बहुत लोग यू नो दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम देयर जॉब्स काम ही नहीं मिल रहा है सो व्हाटएवर इट इज आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम ग्रेटफुल यस आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह के चैलेंजेस थे बहुत मुश्किल था हम बहुत सेफ्टी से हमने शूट किया बिकॉज लोकेशन चंडीगढ़ में थी और पूरी टीम चंडीगढ़ से है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई लेकिन मतलब जो भी सेफ्टी हम कर सकते थे कोविड को देख के हमने सब कुछ किया और वॉज नाइस फाइनली हमने कोविड में शूट किया बहुत डिफरेंट मतलब डिफ़िकल्ट था कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा लोकेशन भी नहीं मिल रही है ना पहले दिन फिर सब कुछ अरेंज करना सेम टाइम पे कॉस्ट्यूम का अरेंज करना सब कुछ चेंज किया मतलब बहुत मतलब डिफ़िकल्टी तो आई लेकिन और जब तक काम में मतलब कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं होती है ना तो मज़ा नहीं आता काम करने में तो इजी काम तो कोई भी कर लेगा जब स्टाइलिस्ट आए थे टिक टिक और हमने सब कुछ ट्राई किया आई लुक्ड एट एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक वाओ लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इट वुड लुक सो गुड और सेट पे व्हेन एवरी टाइम आई हैड अ चेंज एंड एवरी टाइम आई गॉट रेडी आई लुक्ड एट दीस गाइस एंड आई वाज लाइक वाओ यू गाइस हैव मेड मी लुक लाइक अनरियल यू नो इट्स सो गुड बहुत अच्छा लाइक ही पुट अ लॉट ऑफ thought into not only what he was wearing but also into what I was wearing and even more so thanks yaar and Krissann I want to know that why music video that we have seen you in the reality shows and the show why music video kyunki that's the thing you guys have seen me in a reality show you guys have seen me in GEC, you've seen me in a web show. So what I like doing is something different. So this time I thought I'd do something different. That's why music video. Yes, what do you want to say about this song and when it will be releasing and which channel? My own channel. I'm releasing on my own channel, V Music, because अभी आर्टिस्ट मतलब सेल्फ आर्टिस्ट बनना है, मतलब कंपनीज के पास जाके क्या करना है, अपना खुद का काम करो, मज़ा आता है, चाहे कम करो लेकिन अच्छा करो, क्वालिटी वर्क। और इसके बाद क्या-क्या प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है? बहुत गाने हैं मेरे पास लिखे हुए और मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मैं कितना जल्दी रिलीज़ करूँ उन सॉन्ग को कि सब सुने गाने, क्योंकि इतने मतलब मुझे है ना जल्दी से गाने पसंद नहीं आते। किसी का गाना आता है, मैं रोज़ यूट्यूब खोलता हूँ और रोज़ देखता हूँ क्या नया रिलीज़ हुआ है, कि क्या डिफरेंट है, लेकिन सब देखता हूँ वही सब कुछ चल रहा है मार्केट में, पुरानों को नया किया जा रहा है, लेकिन कुछ मैं नया करना चाहता हूँ और नई चीज़ें जो कि रिलेटेड, जो पब्लिक के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनसे रोज़ की बातें जो होती हैं वो रिलेट करती है, वो सब चीज़ें मैं लिखता हूँ। कि जैसे देखा आपने कि तू है मिनरल वाटर, मैं हूँ सस्ता पानिया, है ना, कि मतलब लड़की को तो हर बॉयफ्रेंड चाहे हस्बैंड हो कोई भी हो, लड़की को वाइफ को सबको मतलब वो खूबसूरत ही बोलता है क्योंकि शी डिज़र्व। Sasra Smarka is coming back. Hopefully, Sanjana will make an entry. It will be fun. But tomorrow I'm shooting a show with Raftar's brother. His name is Uday. His show name is like his screen name is Yunan. So we are shooting a song, and I'm very excited. It sounds really amazing. And my first film is coming out super soon. And I'm so excited about it. We shot in the lockdown in Rishikesh, and it's like Kinshuk Vaidya, Ankit Batla, this new guy, very talented, Abhijeet, and his sister has done all the music, Anusha Randhawa, all the music in the film. So it's new talent. Support new talent. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Music director, किस तरह का response मिल रहा है और सामने देखिए एज अ म्यूजिक डायरेक्टर किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, पूरी टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बिकॉज गाना इतना अच्छा लग रहा है, अभी जो बाहर आप लोग सुन रहे हो वो इतना अच्छा साउंड कर रहा है कि हमें भी मज़ा आ रहा है ऐसा काम करके, एंड बहुत खुशी हो रही है। एंड भाई ने बहुत अच्छा गाया है, बहुत ही अच्छा गाया है, गाने का जो रिज़ल्ट आ रहा है आप लोग सबको अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज इसका हुगला ही नहीं, मिनरल वाटर ये हर किसी के ज़ुबान पे एक बार में लग जाए। कैची सॉन्ग्स है एंड बहुत अच्छा लिखा गया है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, तो बहुत ही अच्छा है। म्यूजिक डायरेक्टर भी यहाँ पर है, सिंगर एक्टर यहाँ पर है, अगर दो लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में। बंद दरवाजे खोल दे तू, होले होले बेबी मेरी जान ले तू, पागल ना समझना तू बेबी मुझे, पागल ना समझना तू बेबी मुझे, नशे की पूरी दुकान है तू, मेरे दिल भर जानिया जानिया, तू है मिनरल वाटर मैं हूँ सस्ता पानिया, ओ मेरे दिल भर जानिया जानिया, तू है मिनरल वाटर मैं हूँ सस्ता पानिया। पीयूष, आपको और जैस के कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बताइए, हमने किस तरह का कोलैबोरेशन रहा और क्या इन फ्यूचर और भी कोलैबोरेशन हमें देखने को? बिल्कुल हम और भाई का, जैस भाई का क्या है कि हम भाई ही हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हम भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और हम बहुत और भी अच्छे-अच्छे गाने हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छी इनके वॉइस में आ रही है, एंड जिस तरह आप इसको प्यार दे रहे हो उसी तरह बस आगे ऐसे और गाने सारे पीयूष ही कर रहे हैं, बिकॉज मुझे इसका काम इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं इसको बोलता हूँ जैसे आप दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाते हैं, एक बार दो बार बना दिया, तीसरी बार नहीं बनाते। मैंने इसको एक गाना मैंने 12 बार बनवा चुका हूँ मैं, वो गाना वो मेरे को इतना अच्छा लगता है वो गाना कि 12 बार बनाया, फिर 13वीं बार ये शुरुआत कर रहा है उसकी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका टीम वर्क कैसा है, और एक गाना तो इसने ऐसा बना दिया कि मतलब मेरे गूज बम्स आ जाते हैं मैं जब वो पीस सुनता हूँ, इसने जो बजाया है, और ये 24 इयर्स का है और इतना टैलेंटेड, क्या नहीं आता है इसको। क्लासिकल में देखो जो है, आजकल का म्यूज़िक देखो, और चाहे वेस्टर्न देखो, बहुत अच्छा नॉलेज है इसको म्यूज़िक का, बहुत ज़्यादा। नहीं, थैंक यू।